आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू 1। दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट बाय सम एनर्जी ट्रांसफर टू द हाइड्रोजन एटम। The new magnetic moment of the electron is mu 2, then, ठीक है, तो हमारे पास चार options है, mu 1 और mu 2 के बीच में हमें relation निकालना है, ठीक है, तो अब चलते हैं solution पे, okay, so हमें पता है कि magnetic moment mu, एक revolving electron के लिए around the nucleus, होता है EL by 2m, ठीक है, जहां पे E है द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, L इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल हम L को लिख सकते हैं NH बाई 2 पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा NH बाई 2 पाई, वेयर N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये अपना हो जाएगा एन ई एच बाय 4 पाई एम। तो यहां से क्लियर है कि हमारा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एन, विच मीन्स जब हम म्यू 2 और म्यू 1 के बीच में रिलेशन निकालेंगे, म्यू 2 बाय म्यू 1 हो जाएगा अपना एन 2 बाय एन 1, ठीक है। म्यू 2 क्या है, म्यू 2 इज द मैग्नेटिक मोमेंट इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड के ऊपर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, विच मीन्स एन इक्वल टू 4 हो जाएगा अपना, और एन 1 क्या है, एन 1 इज द ग्राउंड स्टेट विच इज 1, सो अपना म्यू 2 हो जाएगा, म्यू 2 इज इक्वल टू 4 म्यू 1, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।